अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी डांसिंग बर्ड, सिंगर बर्ड या बेहद हसीन रंगों से सजा क्राउन बर्ड देखा है? अगर नहीं तो हम आपको अपनी आज की वीडियो में ऐसे ही 10 नायाब तरीन और सुंदर परिंदों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। नंबर वन पे आता है सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। दोस्तों, ये परिंदा सर से पांव तक काला होता है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत खूबसूरत और अनोखा दिखने वाला परिंदा है। इसका काला रंग तो बेहद चमकदार है ही, लेकिन साथ साथ इसकी गर्दन के नीचे एक इंतहाई खूबसूरत चमकीला रंग भी होता है। गौर से देखें तो आपको इसके सर पर एंटीना नुमा चीज़ भी नज़र आएगी। लेकिन दोस्तों, इस परिंदे की जो सबसे खूबसूरत और अनोखी चीज़ है वो है इसका पर खोल के किसी माहिर डांसर की तरह डांस करना। डांस करते हुए ये अपने पर मुकम्मल गोलाई में खोल देता है, उस वक्त तो इस सच में ही बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। दरअसल ये परिंदा डांस सिर्फ उस वक्त करता है जब इसे अपनी मादा को खुश करना होता है, इसलिए हम इसे डांसिंग बर्ड भी कह सकते हैं। विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन। इस खूबसूरत परिंदे का नाम विक्टोरिया क्राउन पिजन इसलिए रखा गया है कि किसी मलका ही की ताज की तरह इसके सर पर बहुत खूबसूरत ताज होता है। क्राउन पिजन, जैसा कि अपने नाम से ही जाहिर है कि ये कबूतर की नस्ल से है। कबूतरों की नस्ल में दिखाई देने वाला ये सबसे खूबसूरत कबूतर है, इसीलिए इस कबूतर को किंग ऑफ पिजन भी कहा जाता है। इसका रंग हल्का नीला और भूरा होता है। इसके पर भी बहुत मुख्तलिफ रंगों के होते हैं और अपनी लाल आंखों के साथ ये बहुत ही मुनफरद दिखाई देता है। ये परिंदा ज्यादा न्यू गिनी और इसके करीबी इलाकों में पाया जाता है। मैंडारिन डक। दोस्तों, बत्तखें तो आपने कई मर्तबा देखी होंगी, लेकिन वो ज्यादातर सफेद होती हैं या फिर ब्लैक कलर की। लेकिन आज हम आपको जिस बत्तख के बारे में बताने जा रहे हैं वो बे इंतहा हसीन रंगों पर मुश्तमिल है। ये बत्तख मल्टी कलर में होती है। आप देख सकते हैं कि ये अपने रंगों की वजह से किस कदर हसीन और खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये बत्तख ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब बात करेंगे हम अमेजोनियन रॉयल फ्लाई कैचर की। अमेजोनियन रॉयल फ्लाई कैचर नाम का यह हसीन परिंदा आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसका ताल्लुक कहां से है। यह अमेजोन के साथ साथ नॉर्थ और वेस्ट ब्राज़ील में भी पाया जाता है। ये एक बहुत छोटा मगर बहुत ही हसीन परिंदा होता है जिसके सर पर एक ख़ास कस्म का क्राउन होता है। ये परिंदा 15 से 17 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। ये बहुत ही फ्रेंडली परिंदा होता है और इंसानों के साथ बहुत शौक से खेलता है। दोस्तों, क्या आप भी इस परिंदे के साथ खेलना चाहेंगे? गोल्डियन फिंच। ये छोटे छोटे हसीन रंगों से मुजयन परिंदे ऐसे हैं कि बेख्तियार आपका दिल चाहेगा कि काश ये आपके घर में भी हों। इनको रैम्बो फिंच भी कहा जाता है कि इनका ये नाम इसलिए पड़ा कि सब के सब परिंदे मल्टी कलर में होते हैं, जैसे कौसे कज़ा के हसीन तरीन रंग होते हैं। ये परिंदे 140 mm तक ही बढ़ सकते हैं। ये सच में कुदरत का बे इंतहा हसीन शाहकार हैं। ये परिंदे चूँकि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ तो ये ऑस्ट्रेलियन तोते के नाम से मशहूर हैं। लोग परिंदों को बहुत शौक से पालते भी हैं और कारोबारी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे हम ब्लैक हेरॉन की। अब हम आपको जिस परिंदे के बारे में बताने जा रहे हैं बहुत रेयर हैं। ये परिंदे मडगास्कर और इटली में पाए जाते हैं। ये परिंदे बहुत तन्हाई पसंद होते हैं, इसीलिए बहुत कम लोगों ने इन्हें देखा है। यानी ये दूसरे परिंदों की तरह झुंड की सूरत में रहना पसंद नहीं करते। ये ज्यादातर तालाबों में पाए जाते हैं। ये परिंदे अपने परों को फैला के अपना सर उसके अंदर छुपा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये परिंदे शर्मीले होते हैं, बल्कि जब ये अपना शिकार कर रहे होते हैं तो ये अपने परों को गोल फैला के अपना सर उसके अंदर कर लेते हैं। उस वक्त दूर से देखने पर ये छतरी की तरह दिखाई देते हैं, इसी वजह से इनको अम्ब्रेला बर्ड भी कहा जाता है। मकाओ पैरट्स। दोस्तों, अभी हमने आपको जिस परिंदे के बारे में बताया था वो बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद होते हैं, लेकिन अब हम जिस परिंदे के बारे में आपको बताएंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और हुजूम में बहुत शौक से रहते हैं। अगर आपको परिंदे पालने का शौक़ है तो ये मकाओ तोते आपके साथ मज़े से रहेंगे भी और आपके साथ खेलेंगे भी शौक से।
ये जनूबी अमेरिका में पाए जाने वाले तोतों की नस्ल के सबसे खूबसूरत तोते होते हैं। इनकी खूबसूरती की असल वजह उनकी लंबी दुम और बेहद पुरकशिश रंग होते हैं, और जब ये परिंदा उड़ता है तो इसकी शान और खूबसूरती सच में देखने के काबिल होती है। इनमें ज्यादातर रेड, ऑरेंज और ब्लू कलर होते हैं। ये 1 से 2 किलो के होते हैं और लंबाई में 80 से 100 सेंटीमीटर तक होते हैं। गोल्डन फिजन बर्ड। अब बात करते हैं सुरखाब की। जी हाँ, ये वही परिंदा है जिसे मुहावरे में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जब किसी की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए तो कहने वाले कहते हैं, क्यों, क्या उसमें सुरखाब के पर लगे हैं जो वो इतना खास है। खैर दोस्तों, ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन सुरखाब परिंदा सच में इस कदर हसीन होता है कि जिसे देख कर आप उसकी तरफ खींचे चले जाए। ये दिल मोह लेने वाला परिंदा है जिसे अंग्रेजी में फिजन बर्ड कहा जाता है। इनकी कई अक्साम होती हैं और यहाँ हम आपको गोल्डन फेजेंट बर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। इस गोल्डन फेजेंट में भी बहुत सारे रंग होते हैं। इसके सर पर मौजूद इसके गोल्डन बाल इसकी खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। इसकी लंबी दुम भी बहुत खूबसूरत होती है। इनकी लंबाई 42 इंच तक होती है और इनका वजन 500 से 800 ग्राम तक होता है। और सबसे बढ़कर ये कि ये दुनिया का दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे खूबसूरत परिंदा होता है, रेड कैप्ड मनाकिन। इस हसीन परिंदे को देखकर ही आप समझ तो गए होंगे कि इसे रेड कैप्ड क्यों कहा जाता है। रेड कैप्ड इसके सर के लाल रंग की वजह से कहा जाता है। देखने में यही मालूम होता है कि जैसे इसने रेड कलर की कैप लगाई हुई हो। ये कोलंबिया और मैक्सिको के जंगलात में पाए जाने वाला परिंदा है। ये 16 ग्राम तक होता है और साइज में 10 सेंटीमीटर तक होता है। दोस्तों, ये एक डांसर परिंदा होता है, वो भी रिवर्स गियर में डांस करता है। मतलब दोस्तों, ये डांस करते हुए पीछे की समत अपनी टांगों को घुमाते हैं, जिससे इनके अनोखेपन में बेहद इजाफा हो जाता है। अब बात करते हैं लायर बर्ड की। लायर बर्ड बाकी परिंदों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। ये परिंदे ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में पाए जाते हैं। ये परिंदे अपनी अनोखी दुम की वजह से बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। और सबसे मज़े की बात बताऊं कि ये परिंदे आसमान पर उड़ते दिखाई देने के बजाय आपको ज़मीन पर नज़र आएंगे। उनके पाँव और पंजे बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए कुरेद कुरेद की ज़मीन पर ही अपनी खुराक तलाश करते हैं। अगर आप इनको अपने दुम फैलाते देखेंगे तो आपको ये हरगिज़ एक परिंदा नहीं लगेगा। दोस्तों, लायर बर्ड की एक ऐसी अनोखी खूबी भी है जो इसे दूसरे परिंदों के मुकाबले में मुमताज़ कर देती है, वो है इसकी नकल उतारने की। जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से इंसानों को तो देखा ही होगा जो दूसरों की नकल बड़ी कामयाबी के साथ उतारते हैं, लेकिन एक परिंदे को पैरोडी करते आप पहली बार देखेंगे। ये परिंदा दूसरे परिंदों की आवाज़ नहायत खूबसूरती से निकाल लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये दिलचस्प और मालूमती वीडियो? हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया।